In this video, we will discuss about how to analyze birth charts of twins. ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ और इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ. अगर ट्विंस की बर्थ चार्ट आपको देखनी है तो आपको डिविजनल चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि एक एक सेकेंड मैटर करता है. देयर इज़ नो नीड फॉर दैट. दूसरी चीज़ है कि जो ट्रांजिट्स, जैसे कोई प्लैनेट किसी हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो वो ट्विंस के लिए सेम रहने वाला है. सपोज़ ट्विन पैदा हुए और उनके दूसरे स्थान पे शनि है, तो दूसरा स्थान कपड़ों का होता है, बिलोंगिंग्स का होता है, रिसोर्सेज का होता है. ये दूसरे स्थान का शनि जब 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो इन दोनों ट्विंस को, ये दोनों जो ट्विंस हैं, दे विल लूज़ देयर रिसोर्सेज. दैट इज़ बाउंड टू हैपन. या फिर सपोज सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड है, ट्विंस हैं और सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड है एंड इट इज़ ट्रांजिटिंग 12th हाउस, दे विल लूज द ट्रैक ऑफ देयर स्टडीज़. जिस लाइन में वो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई 2.5 साल के लिए डिस्टर्ब होना है. इसको कोई नहीं रोक सकता. सपोज़ योगिनी दशा चल रही है दोनों की, सिद्धा चल रही है सपोज़, और शुक्र 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो 7th का शुक्र और सिद्धा चलने का मतलब होता है यू विल बी प्रोवाइडेड विथ अ गर्ल, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ पीपल जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है एंड पीपल विल इंट्रोड्यूस यू टू सच पीपल, या फिर गर्ल्स या फिर अपोजिट जेंडर, बट अ गर्ल इज़ इन्वॉल्व जब सिद्धा चलती है. जो ट्विंस हैं इन दोनों की सिद्धा अगर एक साथ चलती है तो दे विल बी प्रोवाइडेड विद गर्लफ्रेंड्स एट द सेम टाइम. अब इट इज़ सब्जेक्ट टू ट्रांजिट्स. सपोज राहु, आप दोनों ट्विंस हैं, राहु दोनों का 11वें स्थान पे चल रहा है, दोनों की सोशल एक्टिविटी हाइपर हो जाएगी. राहु 5th हाउस में चल रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन करेंगे किसी ना किसी कोर्सेज को. हो सकता है एक ट्विन किसी एक कोर्स में हो, दूसरा ट्विन किसी दूसरे कोर्स में हो, लेकिन ज्वाइनिंग इज़ द कीवर्ड. सो बहुत टेक्निकल बन जाता है ये समझना है कि व्हाट इज़ द लाइफ पाथ. अच्छा, बहुत लोग जानते हैं मैं सुदर्शन चक्र पद्धति यूज़ करता हूँ, जिसके लिए सबसे पहले सन देखा जाता है कि सूर्य की स्थिति क्या है आपके बर्थ चार्ट में. सपोज़ सूर्य 1st हाउस में दोनों ट्विन के, तो उनका स्टेटस, उनका जो फिज़िकल बॉडी है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर देयर करियर. दे विल कंसिडर देमसेल्व्स फर्स्ट इन एनी सिचुएशन, उनसे ऊपर कोई नहीं. अब उसके बाद शनि जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा बर्थ चार्ट में, वो बताएगा कि ये दोनों क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज सैटर्न 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस 1st हाउस के सन को रिफ्लेक्ट करता है. तो अब आपको राशि देख लेनी है किस राशि में, लेकिन जो भी हो 3rd हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्पीच, तो ये दोनों का काम होगा बोलना. अब हो सकता है कि कोई एक आदमी जो एक ट्विन है वो मैथ्स का प्रोफेसर बन जाए और दूसरा ट्विन जो है वो किसी कोचिंग सेंटर में जाके लेक्चरर बन जाए. तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ जिसको एक्सप्लोर किया जाता है. मोर ओवर आपको ट्रांजिट्स को फॉलो करते रहना है. ट्रांजिट्स जो होते हैं वो आपको इनिशियल गाइडेंस देते हैं कि इनिशियली चल क्या रहा है मेरे बर्थ चार्ट में, कहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है. सपोज़ 8th हाउस में राहु का ट्रांजिट हो रहा है और उसी जगह पे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. सपोज़ मार्स ट्रांजिट कर रहा है राहु के ऊपर और 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपको पेट में जलन होना है, दोनों के जलन होगा. 8th हाउस वैसे फीवर के लिए भी देखते हैं, क्योंकि 8th हाउस एडजस्टमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपके बॉडी में बिल्ड हुआ प्रेशर होता है, तो जनरली अगर फीवर एक को है तो दूसरे को भी फीवर होना है. अगर सपोज़ 12th हाउस में जो राशि पड़ी है उसकी चरदशा चल गई, तो दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया जाएगा. इस बात को आप ध्यान रखना. ट्विंस की जो कुंडली है दोनों अलग नहीं हैं. आपके इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं वो अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक करोगे उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. जो चीज़ें जनरल हैं उसको ज़बरदस्ती स्पेसिफिक बनाने में
प्रॉब्लम्स आती आती हैं. फॉर एग्जांपल कि एक डॉक्टर बनेगा एक इंजीनियर बनेगा, नहीं छोड़ दो. अगर सपोज़ उन दोनों को फाइनेंस में जाना है ना, सपोज़ दोनों ने फाइनेंस चुना, एक आर्मी में फाइनेंस में घुस जाएगा, एक चला जाएगा किसी कंपनी में, बट दोनों फाइनेंस में रहेंगे. अगर सपोज़ डॉक्टर एक दोनों ने चूज़ किया कि डॉक्टर बनेंगे, तो एक हो सकता है ऑर्थोडॉन्टिस्ट बन जाए, एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बन जाए, एक सर्जन बन जाए, एक होम्योपैथ में चला जाए. तो इस तरीके से देखा जाता है. ट्विंस के बर्थ चार्ट को एनालाइज करना उतना टेक्निकल नहीं है जितना लोग बना देते हैं. लोग स्किप करने के लिए बोलेंगे कि यू हैव टू सी द डिविजनल चार्ट्स. डिविजनल चार्ट्स आपको देखना इम्पॉर्टेंट है. वाई, क्यों डिविजनल चार्ट्स इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये नहीं बताएंगे. बताएंगे कि एक एक सेकेंड से डिफर होता है. षष्ठीयांशा देखो वो अलग होगा. भाई क्यों अलग होगा, दोनों एक साथ पैदा हुए हैं. लाइफ प्रोसेस दोनों की एक साथ रिपीट हो रही है. उनकी जो बॉडी का ग्रोथ है वो सेम पैटर्न में चल रहा है. एंड प्लैनेट्स आर जस्ट अफेक्टिंग द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो उस प्रोसेस को अफेक्ट कैसे हो रहा है हम ये जानने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी में. ये नहीं कि हाँ कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है. हालांकि एग्जैक्टली निकल आता है बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्शंस, बट यू शुड अवॉइड द एग्जैक्टनेस. मोर ओवर आपको जब भी आप एक की कुंडली उठाते हो, तो अच्छा जब आप गुण मिलान करोगे शादी के समय किसी लड़की से, तो दोनों के जो गुण मिलान होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे एक के होंगे. मतलब कि एक का अगर 36 गुण मिल रहा है, तो उस इन दोनों को ना इन दोनों की कंपैटिबिलिटी सेम ही बैठेगी. तो इस बारे में निश्चिंत हो जाओ कि ट्विंस की जो कुंडली होती है वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं, या फिर क्यों उन दोनों की लाइफ डिफर नहीं करती. दोनों की लाइफ सेम है. एक को कहीं ना कहीं अगर चोट लगाना, तो वो ड्यूरेशन होता है कि दूसरे को भी चोट लग सकता है. 8th हाउस का जो ट्रांजिट होता है वो जनरली चोट का ही होता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि हम बहुत देख संभल के चले. सपोज़ 10th हाउस में राहु पड़ा हुआ है दोनों के, और राहु की महादशा स्टार्ट हो गई. दोनों के दोनों, माइंड माय वर्ड, दोनों के दोनों ऑब्सेस्ड हो जाएंगे चिल करने से. 10वां स्थान रेस्ट का होता है. अब वो रेस्ट करने के लिए तरह तरह की चीज़ें ढूंढेंगे. फॉर एग्जांपल गेम एडिक्शन. फॉर एग्जांपल क्योंकि राहु है तो इट मेक्स यू एक्सप्लोर थिंग्स इन लाइफ. तो हो सकता है कि अल्कोहल एडिक्शन, बट एडिक्शन होगी. अब वो अल्कोहल से हो, गेम से हो, बुक रीडिंग से हो, एडिक्शन होना है. एडिक्शन इज़ द कीवर्ड. ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों के दोनों अब सेम कुंडली है तो गेम एडिक्शन ही होगा. नो, वो आपको किसी भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है. 11th हाउस फ्रेंड्स. अब 11th हाउस में सपोज इन दोनों के जुपिटर पड़ा हुआ है, तो जुपिटर का मतलब होता है बिग फ्रेंड सर्कल 11th हाउस में. और इन दोनों की फ्रेंड सर्कल, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप के फ्रेंड्स हो, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रेंड्स हो सकते हैं. लेकिन यही जुपिटर के ऊपर अगर केतु चल रहा है, तो फ्रेंड्स से मतलब दोनों को ख़त्म हो जाएगा. दोनों एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि अरे यार मेरे फ्रेंड्स बेवकूफ़ हैं, अरे यार मेरे फ्रेंड्स बेकार हैं, इनसे दूर रहो. या फिर 11th हाउस पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी फ्रेंड्स सेलेक्शन में कि इनके साथ रहना है, इनके साथ मेरे को नहीं रहना है. 7th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो 7th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो लोग कनेक्शन डेवलप करते हैं सीरियस लोगों से, सीरियस कनेक्शंस डेवलप करते हैं. लेकिन वहीं पे 1st हाउस 7th एस्पेक्ट में आ जाता है, तो लोगों की वजह से दोनों पे चेंज आएगा, दोनों की पर्सनालिटीज चेंज होंगी. सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर बर्थ चार्ट एनालाइज करना है तो बहुत ही प्रैक्टिकल रह के एनालाइज करो. हाउएवर मैं आपको भी ब्लेम नहीं करता, बिकॉज मार्केट में ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऐसी हैं जिसको सीखते सीखते साल लग जाता है, और सीखने के बाद कोई एक जनरल चीज़ भी नहीं बता पाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने 3rd हाउस का वीडियो बनाया. 3rd हाउस में मैंने 9th फ्रॉम 7th बताया कि 3rd हाउस जो होता है वो 9th फ्रॉम 7th होता है. दैट इज़ पावर टू टेक आउट थिंग्स फ्रॉम पीपल. आप लोगों से क्या निकाल पा रहे हो, और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है. ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं ट्रेडिशनल में, ना ही कोई इसके बारे में बात करता है. जब भी कभी
जब भी कभी सैटर्न ट्रांजिट करता है थर्ड हाउस में, तो आपके बिहेवियर में बहुत चेंज आता है, स्पीच में चेंज आता है, लोगों से बहुत कुछ निकाल पाते हो आप। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर्ड नहीं है, अनडिस्कवर्ड हैं लोगों के लिए अभी। सो बेसिकली कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि जब भी आप कुंडली देखो तो उसको जजमेंटल होके मत देखो, उसको जस्ट एज अ टूल देखो कि इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑल्सो आपको अगर कुंडली रीड करने में मास्टरी हासिल करनी है तो रादर देन फ्यूचर आप पास्ट प्रिडिक्ट करके देखो। जिस लॉजिक से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो उस लॉजिक से पास्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो पास्ट को जज करके देखो कि पास्ट में वो एक्टिविटीज़ हुई हैं जिन एक्टिविटीज़ को मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। जैसे कि महादशा अंतरदशा हो गई, अंतरदशा देखो आप पीछे पीछे का ट्रैक करके देखो, पास्ट ट्रैक करके देखो कि हाँ वैसे रिजल्ट्स आ भी पा रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपके प्रिडिक्शंस में मैच्योरिटी आएगी। सो दिस वीडियो वॉज बेस्ड बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ अ कॉमेंटर एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल कमेंट। आपको और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट, आई एल कीप मेकिंग इट एंड आई एल कीप पोस्टिंग इट फॉर मोर। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।